तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि रात की 9:30 बजे से बज चुके हैं और आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोमेटेड अटेंडेंस सीट का ऑटोमेटेड फॉर्मेट। अटेंडेंस सीट अगर आप बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हर महीने हमें उस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है। जैसे एक मैनुअल फॉर्मेट अगर मैं बना दूं तो उसमें जैसे सैटरडे संडे हर महीने अपना जगह छोड़ता है, तो हर बार सैटरडे संडे के लिए अलग कॉलर और अलग कलरिंग वगैरह करना पड़ता है। तो आज हम आपके साथ इसी चीज की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी अटेंडेंस शीट हो या किसी भी तरह का डेटाबेस हो, ध्यान रखिएगा कि आप जो है जो उसका यूनिक आईडी है वो सबसे पहले रखें। जैसे एम्प्लॉय कोड इज द यूनिक, हमने सबसे पहले रखे, इससे क्या होता है लुकअप वगैरह में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम एंड डिपार्टमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा एक चीज बताइए मोनिका जी एंड जैकी जी, हितेश जी, हाँ जी, हाँ जी, कि हम अपने अटेंडेंस शीट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्यों डालते हैं, डेटो ज्वाइनिंग क्यों डालते हैं? डेटा ज्वाइनिंग क्यों डालते हैं? लॉजिक क्या है? लॉजिक अब कोई कब क्या ज्वाइन, कब ज्वाइन किया, इससे क्या लेना देना? मतलब उसके बीच का क्या होता है, जैसे वो कि उसने कितने दिन हमारे पास काम कर दिया, लाइक तो उसने हर किस तरह महीने, आपको वही अपडेट। तो मैं जानना चाहता हूं, वो तो स्टूडेंट डेटा इस पे क्या, वो एम्प्लॉय डेटाबेस पे तो होता ही है, तो हर महीने हाँ जानने की क्या जरूरत है? एक से होल्ड कीजिए, किसी कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सूरज जी, हेलो, अच्छा हाँ, मैं भूल गया था, आपने फोन भी नहीं किया मुझे। मैं 2 मिनट में आपको मेल कर रहा हूँ लिंक, ठीक है? फिर मैं जस्ट आपने मेल कर ही दिया, ठीक है? 9269 वाली आईडी है ना उसमें। बेसिकली मैं, जैसे मेरा ओपिनियन ये है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डालते हैं लीव्स के लिए। कंपनी में एक नियम होता है कि आपको लीव जो है ना मिलती है, लेकिन आपकी जो पेबल लीव है वो मिलती है आपकी ज्वाइनिंग के 3 महीने या 6 महीने बाद, राइट? मोनिका जी, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर, आफ्टर 3 मंथ। तो 3 मंथ कैलकुलेट करने के लिए गलती से हम उसकी लीव पेबल लीव डाल दें, इसलिए। अच्छा समझ गए? हाँ सर, ये एक अच्छा तर्क है। इससे पहले वो कितना दिन ज्वाइन किया, कितना पुराना है, इसे क्या लगा अटेंडेंस मार्क करने में, इसे क्या लगा क्या? उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कोई भी एक डेट लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं जून मई की बात करूं तो मई मई का डेट लगती है। और उसके बाद अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग डेट लिखने के बाद ड्रैग करते हैं, पर ड्रैग करने से क्या होता है कि हर महीने आपको ड्रैग करना पड़ेगा, राइट? जैसा कि मैं बताया था कि हम डेट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास से बताया था कि हम डेट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसके हम +1 कर देते हैं।
प्लस वन भी क्या हो जाएगा कि इससे लिंक हो जाएगा, उसके बाद इसको हम आगे की तरफ कॉपी करेंगे। आइए तरफ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हो गया। अब मुझे यहां पे सैटरडे एंड संडे चाहिए, तो एक तरीका था मैं बताया था कि कस्टम फॉर्मेटिंग में अगर आप यहां पे जो हमारा नंबर फॉर्मेट होता है इसमें जाके आप यहां पे तीन बार डी डी, वन टू थ्री, तीन बार डी डी कर देते हैं तो यहां पे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आएगा। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि कोई भी फॉर्मेटिंग एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं करती है, चेंज किसको करती है तो उसकी विजिबिलिटी को। तो ये विजिबिलिटी में मंडे है लेकिन एक्चुअल में एक अप्रैल है, एक मई है। तो इसमें क्या करेंगे, हम टेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सिलेक्ट करके सेम कस्टम फॉर्मेटिंग का ट्रिक यहां पे डाल देते हैं। तीन बार डीडी आ गया, मंडे आ गया, तो अभी एक्चुअल आया और इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ये करते हैं अटेंडेंस बनाते हैं तो उसकी एक कॉपी हमें प्रिंट आउट के तौर पर रखनी होती है ताकि हम लोग ESI, PF, लेबर वेलफेयर फंड और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजना होता है। ठीक है। तो हमें हर किसी की एक एक कॉपी रखनी होती है, तो एक पेज पे प्रिंट आउट नहीं आया, पीस पे प्रिंट आउट नहीं आएगा, राइट? सर मेल मिला आपको? मेल मिल गया आपको? नहीं नहीं आप उस पर क्लिक कीजिए, नंबर डालने की जरूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक कीजिए, जो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोल रहा है उसको प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, किस पे, सेलफोन पे कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं आप? और स्मार्टफोन में है तो जो लिंक भेजा है तो लिंक की तो लास्ट जो 9 डिजिट है ना, नंबर जो है वो डालना होगा, ज्वाइन के बाद जो लास्ट नंबर है ना, 9 नंबर, उसको डालना है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको एक पेज पे प्रिंट आउट कैसे निकालें, राइट? तो सबसे पहले मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करके यहां से डबल क्लिक किया तो थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी एक पेज पे प्रिंट आउट तो नहीं आया। तो इस डेट को मैंने सिलेक्ट, मैंने क्या किया, ऊपर में यहां लिख दिया मंथ, मंथ, और यहां पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहां पे हमने फॉर्मेट सेल में गया और यहां पे MMM, सॉरी सर।
हो गया। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में हम यहां पे दो बार डीडी डाल देते हैं। ठीक है, दो बार डीडी डाल दिए तो ये और सिर्फ नंबर आ गया। ठीक है सर, और इसको फिर ऊपर में हम डबल क्लिक करके इसे डबल क्लिक कर देते हैं तो ये छोटा हो जाता है। हो गया सर। अब मुझे क्या करना है, जो सैटरडे एंड जो संडे है उसको यहां पे हाईलाइट करना है। जो सैटरडे एंड संडे है उसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, राइट। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसके न्यू रूल पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला पे जाएंगे और यहां पे हम इक्वल इसको सिलेक्ट करते हैं ऊपर वाले। अब इसमें हम एक एक करके दो बार कर दे या फिर मैं यहां पे और कंडीशन लगा दूं। और कंडीशन इसलिए लगाऊंगा क्योंकि दो है तो इसको सिलेक्ट किया एंड ये कॉमा हमने बोला यहां पे कि ये सैटरडे होना चाहिए एंड अगेन कॉमा इसको सिलेक्ट किया और बोला कि संडे होना चाहिए। और नीचे ड्रैग करने से पहले जो कॉलन का डॉलर है उसको मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पे हम ये दे देते हैं कलर एंड ओके। और उसके बाद हम फॉर्मेट प्रिंटर से इसको चारों तरफ पेंट कर देते हैं। आ गया। अब देखिए कि मुझे अगले महीने का चाहिए। अब इसमें बाकी फॉर्मेटिंग जो बॉर्डर शोल्डर है उसको आप कर दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें अगर मुझे इसमें अगले महीने का चाहिए, मई का चाहिए, तो बस यहां पे आना है और यहां पे आने के बाद मैं अपना चेंज करूंगा 6.1 एंटर मारते ही देखिए पूरा चेंज हो गया, कलर सैटरडे संडे सब चेंज हो गया, डेट भी सब चेंज हो गया मोनिका जी। अब इसमें बात आती है कि आप चाहते हो ड्रॉप डाउन बनाना कि यहां पे मंथ करें, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप यहां पे आए डेटा मेनू बार के डेटा वैलिडेशंस में। डेटा वैलिडेशंस में मैंने यहां पे लिस्ट पे गया और यहां पे मैं जो जो चाहिए वो यहां पे टाइप कर दिया कि जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल कॉमा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो डेटा मेनू बार के अंदर डेटा वैलिडेशंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पे आपका आएगा। रिचल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मोनिका जी, वॉइस आ रही है मुझे। हाँ, मैं पूछा था कि ये समझ में आया ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम? हाँ,
हाँ सर वो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा, देखिए आ गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ जैन सेलेक्ट करूँ तो डेट भी जैन के अकॉर्डिंग हो जाए, तो कैसे करें? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन कैसे किया जाता है। कि मैंने यहां पे लिखा सुजीत और दूसरे सेल में लिखा हुआ है कुमार, तो इसको आपस में कंबाइन करने के लिए ऐसे तो कॉनकाटा नेट का फॉर्मूला है। कॉनकाटा नेट का फॉर्मूला है, लेकिन एंड परसेंट के साइन से भी कर सकते हैं। कैसे? कि इक्वल हमने इसको सिलेक्ट किया एन परसेंट और इसको सिलेक्ट कर दिया, युग्म आएगा। तो ऐसे ही हम यहां करने जा रहे हैं। यहां पे क्या होगा, ए पिक्सेल पे लेते हैं और हम यहां पे लिखते हैं कि वन डैश, फिर एन परसेंट, और हमने जैन लिया, फिर एन परसेंट इन्वर्टेड कॉमा में डैश 2017 डाल दिया। तो ऐसा क्यों किया? ताकि जैन से 1 जनवरी 2017 का डेट बन के आ जाए, समझ गए? अब ये हालांकि हमने इसको हम यहां डायरेक्ट यहां भी कर सकते थे, बट हमने यहां ना करके यहां क्यों किया? क्योंकि जब कॉनकाटा नेट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक क्या हो जाएगा, एक टेक्स्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट होने पे भी कस्टम फॉर्मेटिंग वर्क नहीं करेगा। तो टेक्स्ट में को डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे एन प्लस जीरो, कि किसी भी नंबर या डेट या टाइम टेक्स्ट फॉर्मेट में डाला हुआ है, अगर उस पे आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, या डेट में या टाइम पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? अब यहां से जैसे मैं जैन के जगह पे फैब को सिलेक्ट करूंगा, यहां पे फरवरी और यहां पे मेरा फरवरी के पूरा डेट्स आ जाएंगे, मार्च, और उसके अकॉर्डिंग ही मेरा देख रहे हैं कि सैटरडे एंड संडे का कलरिंग भी चेंज हो रहा है। अब जैसे मान लें, सर पूछिए। मुझे एक चीज सर, लाइक जैसे इसमें मैं अपने डेटा रखती हूँ जैन फेब मार्च के, अलग अलग कर सकती हूँ मैं इसमें? नहीं, ये डेटा डालने के लिए नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेट है। अच्छा, अगर मुझे डेटा मेंटेन करना हो इसमें तो? तो उसके लिए अलग मेथड है, उसके लिए फिर आपको फॉर्मूले वगैरह भी, लुक अप फॉर्मूले, मैच इंडेक्स, बहुत सारी चीज को सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहले फॉर्मेट तो सीख लीजिए, फिर वो भी सीख लीजिए। अब इसमें और भी बहुत सारे हैं फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आपको काउंटिंग का फॉर्मूला आता है तो एक और चीज इसमें सीख सकते हैं, जैसे कि होलीडे लिस्ट। हाँ सर, एक अलग कॉलम में मैंने यहाँ पे यहाँ पे हम होली डे लिस्ट डाल देते हैं, ठीक है? तो जो भी होली डे लिस्ट है यहाँ पे आप डाल दीजिए, 1 जनवरी, 26 जनवरी, 17 मार्च, आप यहाँ डाल दीजिए। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कोई होलीडे आए उस पे एक अलग कलर हो जाना चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, होम मेनू बार में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हम काउंट इफ लगाते हैं। काउंट इफ में हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं इस डेट को, C2 के इस डेट में। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब है कि इस दिन छुट्टी है, तो इसके लिए एक अलग कलर हम डाल देते हैं। अब आगे ड्रैग करने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि ई के आगे का डॉलर हटा देते हैं एंड ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर से लेके बाकी एरिया जो है हमारा, उस बाकी एरिया को पेंट कर देते हैं।
क्योंकि काउंट इफ का रिजल्ट काउंट अगर इसमें मिलेगा तो रिजल्ट वन आएगा ना, जैसे कि मान लीजिए हमने जनवरी को सिलेक्ट किया हुआ है तो मार्च सिलेक्ट करिए तो 17 तारीख ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, 17 हाईलाइट होनी चाहिए। ओ यहाँ देखते हैं काउंट इफ, ओके हमने गलत सिलेक्शन कर दिया, माफ कीजिएगा हमें गलत लगा दिया। सुबह से क्लास लेते लेते जो है ना आँख जो है लाल हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ क्या टाइप कर, हम सही उल्टा कर दिया था। तो इसने 17 मार्च को इसने इस एरिया में ढूंढा, रिजल्ट मिला तो काउंट दिखाएगा ना, तो काउंट तो एक ही दिखाएगा ना। अगर जीरो है इसका मतलब वो छुट्टी छुट्टी वाले सीट में अवेलेबल नहीं है, और जीरो से बड़ा है तो छुट्टी वाले लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें जितने फॉर्मूले आप सीखोगे उसमें उतना और ज्यादा और कर सकते हो, जैसे कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जिस दिन हम लीव डाल रहे हैं उस दिन की लीव की डिफरेंस 90 डेज से ज्यादा है तो हाईलाइट कर दे, उसके बाद मंथ जो डाले 31 का महीना होता है तो उस समय फॉर्मेट ब्लैंक कर दे, वो ऐसे बहुत सारे और भी चीजें, लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मूले की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए जो कि फिलहाल हमने इस टॉपिक में कवर नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइल आप लोगों को भेजता हूँ और आप लोग क्या करें अपने हिसाब से कुछ और इसमें चेंजिंग करने की कोशिश करें और फिर मुझे भेजें ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने अभी इसको कितना सीखा है। हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ सर, एक तो ये वीडियो और इससे पहले 3 वीडियोस हो रहे हैं सर, वो सारी वीडियोज मैं अपलोड कर